जेदर भाई निकल जाओ। ठीक है निकल जाता हूँ। शाम के 5:30 बज रहे हैं और मेरी गुड मॉर्निंग अब हो रही है। यार सिनेमैटिक्स तक तो ठीक है, लेकिन ये बताओ जा कहाँ रहे हो तुम लोग? यार मैं और अजहर भाई आए हुए थे साउथ एक्स ऐसे ही कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। तो मैं फ़िलहाल तो अभी कुलचे खा रहा हूँ, कोल्ड कॉफ़ी पी ली है हमने और दूसरी कॉफ़ी भी पी ली है। आपकी इन्फो के लिए मैं बता दूँ कि मैं और अजहर भाई को कुछ रिएक्शंस रिकॉर्ड करने थे तो मैं साथ में निकल गया। मैंने कहा हम भी 30 डेज 30 वीडियोज़ का चैलेंज कर रहे हैं ना यार, मैं ऐसा लग रहा हूँ सो के आया हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। यावर मियाँ कितनी बार बोला है कि जेब में पैसे लेके निकला करो। यार समझ नहीं आ रहा है कि व्लॉग क्या बनाऊं, मेरे भी नहीं आ रहा है, अजहर भाई के भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम गए थे, कहाँ गए थे? अमर कॉलोनी। और अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सरोजनी होकर आए, अजहर भाई को कुछ रिएक्शंस चाहिए और मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के खा पी के। हमारा तो व्लॉग में सिर्फ खाना और घूमना है बस, और कुछ तो है नहीं, तो वही करेंगे हम। अच्छा मैं क्या पूछ रहा था सर भाई, लोगों को ये लगता है जैसे सुपर बाइक अपने ले ली है तो लड़कियां पट जाएंगी और फैन हो जाएंगी वगैरह वगैरह, तो इसमें हकीकत तो है इसमें, लेकिन जो ये सब चीज़ें करना चाहे जैसे कि तुम तो तुम्हारे लिए ठीक है, तुम कह सकते हो इस चीज़ को, लेकिन हम नहीं कह सकते इस चीज़ को क्योंकि हम इस चीज़ से बहुत दूर हैं। सही है वैसे, सुपर बाइक लेंगे अब तो ज़रूरत है सुपर बाइक की अब भी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान के अंदर ना खुद का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लड़की पट जाए। हिमालयन पे एक्टिवा पे सब जगह लेके घूम रहे हैं सब। रैपिडो वालों तो उनकी बाइक पे रैपिडो करके देखो एक बार, चला डाली रहा। उसके बाद अर्जुन भाई आ गए थे तो हम लोग उनके साथ गए थे JNU। JNU में अजहर भाई थोड़ा सा घूम रहे थे क्योंकि शायद कल आपको अजहर भाई की एक वीडियो दिखाई दे, तो उस वीडियो के थोड़ा रैकी करने के लिए हम लोग गए थे। फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मेरा तो दिल लगा नहीं भाई, तो आपका भाई चला गया था रात में राइडर्स पैराडाइज। मैं तो फिर राइडर्स पैराडाइज से आया सुबह में अगले दिन फुल एकदम फ्रेश होके, फ्रेश सुबह की ठंडी ठंडी हवा, सनराइज। और जिंदगी में तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहिए क्या? मुझे बाल कटवाने हैं कल हर हालत में। तो आप लोगों को जरा बताऊं कि सुबह सोके उठते ही ना 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, 10-15,000 रुपए का। यार आज सैटरडे और कल संडे, ठीक है जब सैटरडे आता है तो उसके बाद संडे आता है ना, तो संडे का हमारा राइड का प्लान होता है। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे संडे राइड्स को हम जाते हैं, तो संडे राइड की कुछ प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, वो कल आपको दिखेगा।